अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आई हुई हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और प्यारा मंज़र है। सुबह सुबह की ताज़ा हवा बहुत ताज़ा दम और फ्रेश कर देती है। तो आज मेरा दिल कर रहा था, मैंने सोचा आज मैं मॉर्निंग वॉक पे चले जाती हूँ। आज बाहर के नेचुरल और ख़ूबसूरत मनाजर देख के आती हूँ। ये देखें सामने एक बंदा क्या लेके आ रहा है, सर पे थाल लेके आ रहा है। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, अच्छे अच्छे मनाजिर हैं। आज जुमा का दिन है, मौलाना साहब तिलावत कर रहे हैं और चारों तरफ बरकात ही बरकात है। और जुमा का दिन बहुत बाबरकत दिन है। ये देखें सामने, देखें नदी बह रही है और बहुत दूर तक मैं जाऊंगी। आपको नज़र आ रहा है, ये रास्ता बहुत दूर तक जा रहा है। और ऐसे ही मैं ताज़ा और फ्रेश हवा लेती हुई दूर तक जाऊंगी। वो देखें डॉगी सामने भागता हुआ आ रहा है, बहुत खूबसूरत मंज़र है। उसके पीछे एक वाइट डॉगी और साथ में ब्लैक डॉगी है, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। फ्रेंड्स ये देखें, एक दिन मैं यहाँ पे आ रही थी, यहाँ पे इसमें ये जो नदी बह रही है ना, इसमें डक्स जा रही थी। तो ये मंज़र मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, अट्रैक्टिव लगा। मैंने क्या किया, उन डक्स की ना वीडियो बना ली थी और मुझे उसको मैं बार बार देख रही थी, बहुत ही अच्छी लगती थी मुझे। ये जो इतने बड़े बड़े घने घने दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसके नीचे बहुत ही प्यारी सी नदी बह रही है। ये देखें आपको भी दिखाती हूँ, ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं अभी और दूर जा रही हूँ, और दूर जा रही हूँ, देखती हूँ आगे क्या होता है। रास्ते में जो जो ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव सीन आ रहे हैं वो भी मैं देख रही हूँ। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। अब मैं क्या देखती हूँ, बहुत ही दूर एक ना फीमेल घास काट रही हैं। यहाँ देहातों में क्या होता है, मर्द औरतें मिलके काम करते हैं, मर्द औरतें मिलके मेहनत करती हैं, तभी तो जाके उनकी एक खूबसूरत सी ज़िंदगी बनती है। शहरों में ज़्यादातर औरतें घर में रहती हैं, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा पर्दे की पाबंदी नहीं की जाती, खुला ढुला माहौल होता है और यहाँ पर लोग खूब इंजॉय करते हैं सरसब्ज़ और शादाब खेतों को, अपने काम को। बहुत ज़्यादा मेहनत कश लोग होते हैं यहाँ के, बहुत मेहनत करते हैं। डॉगी देखें वहाँ ठहरे हैं, जो अभी मैं आपको बता रही थी ना, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, उन्हीं के पास जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। मुझे भी डर लग रहा है कहीं मुझे ही ना काटे, अल्लाह खैर करेगा। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ये मुझे कुछ ना कहे, मैं जा तो रही हूँ, मुझे अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन अल्लाह खैर करे। देखें वो देखें सामने बैठे हैं, अभी ये एक दूसरे के साथ खूब खेल रहे थे, आगे पीछे एक दूसरे के भाग रहे थे। ये देखें ये बैठे हैं तीनों शहजादे, ये तीनों शहजादे बैठे हैं, मुझे देख के मैं इनसे डर रही थी, ये मुझे देख के डर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। और ना जाओ भाई, मैं आपको कुछ नहीं कहती। ये देखें ये देखें, ये अभी बहू बहू ना करने लग जाए, इससे बेहतर ये बहू बहू करने लग जाए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये देखें साथ में छोटा सा तालाब है, तालाब नुमा, और साथ ही बहुत घना खूबसूरत सरसब्ज़ और शादाब खेत है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे मुझे। ये देखें डॉगी, मुझे लगता है वो जो छोटा डॉगी है ना, बड़े डॉगी का बेटा है या बेटी है, उसके पास ही बैठा है, वो उसको प्यार कर रहा है। चले मैं अब नेक्स्ट तरफ चलती हूँ। सामने एक बाबा आ रहे है, मुझे लगता है वो पता नहीं कौन है, देखते हैं कौन है।
इधर ही होगा, यहीं का कोई बंदा होगा। डॉग्स मेरे पीछे आ रहे थे और मैं बहुत डर रही थी, शुक्र है वो पीछे रुक गए। वो देखे वहाँ रुके ठहरे हैं, मैं आगे आगे चलती आई हूँ, वो पीछे पीछे आ रहे थे। पहले मैं उनके करीब गई हूँ तो वो पीछे हटने लगे, मुझसे डरने लगे, और जब मैं आगे आई हूँ तो वो फिर मेरे करीब आने लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ना सरसब्ज खेत है और यहाँ पर अभी फसल उगाई हुई है। ये देखिए छोटी छोटी आपको नज़र आ रही होगी, और वहाँ दूर मैंगोज के दरख्त है, और सामने मैं क्या देखती हूँ, एक फीमेल घास काट रही है, जा रही हूँ उसी की तरफ। ये तो एक फीमेल काट रहा है घास। देख लिया आपने कितना प्यारा मंज़र है, बहुत इंजॉय हो रहा है यहाँ पे। यकीनन आपको अच्छा लग रहा होगा, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आपने अपनी बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी राय का इजहार करना है। वहाँ सामने देखो तो डंकी ठहरे हैं, डंकी ऐसे नहीं ठहरे कि उनका कोई काम नहीं है, वैसे ही ठहरे हैं। ये डंकी भी इंसानों में काम की मदद करते हैं, लोग इनके ऊपर चारा वगैरह और इनके ऊपर सामान लाद कर जाते हैं। अब दो रास्ते हैं, एक उधर से है और एक इधर से है। कहाँ से जाऊँ, मुझे लगता है जहाँ से मैं आई हूँ मुझे वापसी वहीं से ही जाना चाहिए, तो चले मैं वापसी वहीं से जाती हूँ जिधर से मैं आई थी। लेकिन वो डॉग्स आगे ठहरे हैं जो पहले रास्ते में आते हुए मुझे मिले थे। कोई बात नहीं, अब मैं ब्रेव हो गई हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। अब इन्हीं के पास से गुज़र के जाऊँगी, आप भी देखिएगा कैसे मैं इनके पास से गुज़र के जाती हूँ। ये बैठे हैं शहज़ादे, तीनों शहज़ादे, तीनों डॉग्स यहीं बैठे हैं, देख रहे हैं ना। लेकिन इनको जरूरत नहीं है मुझे कुछ कहें। मुझे अगर इन्होंने कुछ कहा ना, मैं भी इनको मारूंगी। देखते हैं।